पुलिस आई एक्शन में 26 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, 12 घंटे का देती थी 4,000। रिको क्षेत्र स्थित क्रॉकरी फैक्ट्री में काम कर रहे 26 बाल श्रमिकों को पुलिस की मानव तस्करी यूनिट ने बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के साथ मुक्त कराया। पुलिस ने शक्ति इंडस्ट्रीज कंपनी के मालिक राजीव अरोड़ा व राजेश अरोड़ा तथा कंपनी के फोरमैन हीरा कुमार सिंह निवासी धनवे थाना खेरा जमुई बिहार पर मामला दर्ज किया गया है। फोरमैन हीरा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूआईटी थाने के एएसआई रघुवीर प्रसाद ने बताया कि क्रॉकरी के आइटम बनाने वाली शक्ति इंडस्ट्रीज प्लांट नंबर 812/F44 में टीम को बच्चे अलग अलग काम करते मिले। इसमें सामान की पैकेजिंग, प्लेटों पर टैग, क्रॉकरी पाउडर बनाने की मशीन के पास पाउडर को कट्टे में भरने का काम कर रहे थे। पाउडर इतना केमिकल युक्त था कि आंखों में जलन व घबराहट सी हो रही थी। यहां से बच्चों को निकाल कर फैक्ट्री के दूसरे गेट की छत पर बने कमरे में जाकर देखा तो वहां नाइट ड्यूटी कर रहे 6 बच्चे छोटे छोटे कमरों में फटे हुए बिस्तरों में सोते मिले। मौके से टीम को कुल 26 बच्चे मिले, इनमें 20 लड़के व 6 लड़कियां शामिल हैं। ये सभी धौलपुर, उत्तर प्रदेश, भिवाड़ी, बिहार व मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। इन्हें यहां 12 घंटे के काम के 4,000 रुपए मिलते थे। सुबह 8 बजे से रात के 7 या 8 बजे तक इनसे काम लिया जाता था और इस बीच इनको 1 घंटे का रेस्ट मिलता था। मामले को लेकर कंपनी मालिक राजीव अरोड़ा व राजेश अरोड़ा तथा कंपनी के फोरमैन हीरा कुमार सिंह निवासी धनवे थाना खेरा जमुई बिहार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मौके पर मिले फोरमैन हीरा कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या मामला था? आज सुबह मेरे पास फोन आया था बचपन बचाओ आंदोलन के अधिकारी ओम प्रकाश जी का। उन्होंने बताया कि मैडम भिवाड़ी में बाल श्रम हो रहा है बड़े लेवल पर, तो मैं अपनी जाप्ता लेकर कंपनी पहुंची, जो कंपनी का नाम है शक्ति इंडस्ट्री, ये खेड़थड इलाके में पड़ती है। वहाँ पर जाकर देखा तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे, छोटे बच्चे काम कर रहे थे, जिनको हमें उसी कंपनी के अलग अलग सेक्शन से रेस्क्यू किया गया था, जहाँ से पाउडर भी मिला। बच्चे भारी भरकम काम कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। हम वहाँ से उन बच्चों को रेस्क्यू करके लेके आए और अभी थाने पर कार्रवाई चल रही है और पुलिस आगे अनुसंधान कर रही है। मैम, इसमें गिरफ्तारी किन किन की हुई है? इसमें गिरफ्तारी उसके मालिक थे कंपनी के 2 और एक उसका फोरमैन था, तो फिलहाल में फोरमैन की गिरफ्तारी हो गई है। अभी कंपनी के मालिक हैं वो मौके से फरार हैं। जो ये जो कितने बच्चे पकड़े गए हैं कितने? फिलहाल में हमने 26 बच्चे पकड़े टोटल, जिसमें से 6 बालिका हैं और सभी बच्चों की उम्र 12 से, ज़्यादातर बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच में है, कुछ बच्चे उसमें 16-17 के भी हैं। तो इन बच्चों को कहाँ भेजा गया? क्या अभी इन बच्चों को हमने CWC को सूचना दे दी और यहाँ से अपना जाप्ता भेज के ना CWC भेजा गया, वहाँ पर उस CWC को पेश करेंगे, उसके बाद में CWC जहाँ चाहे उनके आदेश करेंगे। जी सर, क्या ये पूरी कार्रवाई और कहाँ से आप हैं बताएं? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं बचपन बचाओ आंदोलन से हूँ और हम लोग पूरे भारत में जितने भी बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उन बच्चों को छुड़वाते हैं और उनको रिहेबिलिटेशन करवाते हैं एंड टू एंड प्रोसेस के तहत। तो हमें खबर मिली थी यहाँ पर और हमारी टीम पूरे काफ़ी दिनों से सर्वे कर रही थी कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे काम करते हैं फैक्ट्रीज में, तो हमने यहाँ शक्ति इंडस्ट्री और महादेव एंटरप्राइजेज में पता लगाया और हमारी टीम पूरे जोर शोर के साथ में सर्वे करके यहाँ की ASTU की टीम के साथ में और थाना फेज 3 UIT भिवाड़ी के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 21 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ हैं जो 18 साल से कम के हैं, कुछ बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं और ये MP, UP और बिहार और राजस्थान के रहने वाले बच्चे हैं। अभी इन बच्चों की FIR नियोक्ता के खिलाफ चल रही है और हम चाहते हैं कि इन बच्चों को वापस रिहेबिलिटेशन करके इनको इनकी एजुकेशन मिले, इनका बचपन इनको वापस मिले। बचपन बचाओ आंदोलन इनके बचपन बचाने के लिए हमेशा खड़ा है। जो ये NGO है ये किन के द्वारा संचालित किया जाता है और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये बड़ा आंदोलन है, न कि NGO है, ये बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2014 में, उनके द्वारा 1980 से इस तरह के बच्चों के लिए काम किया जा रहा है और भारत का बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाला एक आंदोलन है जी। तो इसमें आपने जो मामला दर्ज आप करा रहे हैं वो किन किन के खिलाफ है? ये नियोक्ता जो कंपनी चला रहा है और जो इनको ट्रैफिकर जो इनको गाँव से बहला फुसला के लाया है, उन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं हमने।